प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध, शीर्षक है मतवादी अवश्य नरक जाएंगे। हमारी समझ में बड़ी बड़ी पोथियां देखने और बड़े बड़े व्याख्यान सुनने पर भी आज तक न आया कि नरक कहाँ है और कैसा है। पर जैसे तैसे यह हमने मान रखा है कि संसार में विघ्न करने वालों की दुर्गति का नाम नरक है। मरने के पीछे भी यदि कहीं कुछ होता हो तो ऐसे लोग अवश्य कठिन दंड के भागी हैं, जो स्वार्थ में अंधे होके पराया दुख सुख हानि लाभ मान अपमान नहीं विचारते। अगले लोगों ने कहा है कि वैद चितेरो ज्योतषी हर निंदक और कब्य, इनका नरक विशेष है औरन का जब तब्य। पर इस वचन में हमें शंका है, काहे से कि वैद और चितेरे आदि में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं, फिर यह कहां संभव है कि सबके सभी नरक के पात्र हों। यह वैद्य नरक जाते होंगे जो न रोग जाने न देश काल पात्र पहचाने, केवल अपना पेट पालने को यह सिद्धांत किए बैठे हैं कि यस्य कस्य च पत्राणी येन केन समन्वितम यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। पर वह क्यों नरक जाएंगे जो समझ बूझ के औषधि करते हैं और रोगी दुख सुख का ध्यान करते हैं, अथवा अपनी दवा और मेहनत का दाम लेने में संकोच नहीं करते। चित्रकारों से किसी की कोई बड़ी हानि नहीं होती, वरंच उनके द्वारा भूत और वर्तमान समय के अच्छे बुरे लोगों का अन्य लोगों को स्मरण होता है। अतः औरों की अपेक्षा इनमें से नरकगामी थोड़े होने चाहिए। हाँ, ज्योतिषियों में बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे राम का नाम ही हैं, पर सबके अदृष्ट बतलाने तथा अनमिल जोड़ी मिलाने और वरकन्या का जन्म नशाने एवं बैठे बिठाए गृहस्थों को जी में शंका उपजाने का बीड़ा उठाए बैठे हैं, वे अवश्य नरक भागी हों। पर जो अपनी विद्या के बल से भूगोल खगोल को हस्तामलक किए बैठे हैं, उन्हें कौन नरक भेज सकता है। अथवा यह कह देते हैं कि अमुक ग्रंथ के अनुसार हमारे विचार यों आता है, आगे क्या होगा क्या नहीं यह प्रश्न ईश्वर से जाके करो। वह कहने वाले नरक से दूर हैं। रहे हर निंदक, उन्हें नरक से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सदा एकरस आनंदमय है। उनकी निंदा से न उसको हानि है न जगत की हानि है। हाँ, निंदक अपना पागलपन दिखाता है, सो पागलपन एक रोग है, पाप नहीं। यदि हर निंदक का अर्थ अनीश्वरवादी लीजिए तो भी नरक को उससे क्या संबंध है। एक बात उसकी समझ में नहीं आती, उसे वह नहीं मानता, बस। वरंच हम देखते हैं कि सबकी स्वत्व रक्षा सबसे न्यायाचरण आदि गुण बहुधा नास्तिकों ही में पाए जाते हैं, कपटी उनमें बहुत कम है। भला ऐसे लोग नरक जाएंगे। हाँ, हरि की वास्तविक निंदा किसी मत में कट्टर पक्षपाती अवश्य करते हैं, उनका नरकवास युक्ति सिद्ध है। कवियों के लिए बेशक यह बात है कि वे अकेले क्या चाहें तो एक बड़े समूह को लेके नरक यातना का स्वाद लें, चाहे बड़ी जथा जोड़ के जीवन मुक्ति का आनंद भोगें, क्योंकि उन्हें अपनी और पराई मनोवृत्ति फेर देने का अधिकार रहता है। सिद्धांत यह है कि ऊपर कहे हुए सब लोग अवश्य नरक ही जाएंगे। यह बात विचार शक्ति को कभी माननीय नहीं हो सकती। पर हां, हमारे मतवाले भाई अफसोस है कि नरक के लिए कमर कसे तैयार हैं, क्योंकि इन महापुरुषों का मुख्य उद्देश्य यह है कि दुनिया भर के लोग हमारे अथवा हमारे गुरु के चेले हो जाएं। सो तो त्रिकाल में होना नहीं, और लोगों का आत्मिक एवं सामाजिक अनिष्ट बात बात में है। यदि ऐसा होता कि आर्य समाजियों में
आर्य सनातन धर्मियों में पंडित महाराज, मुसलमानों में मुल्ला जी, ईसाइयों में पादरी साहब ही इत्यादि उपदेश करते तो कोई हानि न थी, वरंच यह लाभ होता कि प्रत्येक मत के लोग अपने अपने धर्म में दृढ़ हो जाते। सो न करके एक मत का मनुष्य दूसरे संप्रदायों में जाके शांति भंग करता है, यही बड़ी खराबी है, क्योंकि विश्वास हमारे और ईश्वर के बीच का निज संबंध है। एक पुरुष ईश्वर की बड़ाई के कारण उसे अपना पिता मानता है, दूसरा उसके प्रेम के मारे अपना पुत्र कहता है। इसमें दूसरे के बाप का क्या इजारा है कि पहले के विश्वास में खलल डाले। वास्तव में ईश्वर सबसे न्यारा एवं सब में व्याप्त है, वह किसी का कोई नहीं है और सबका सब कोई है। दृढ़ विश्वास और सरल स्नेह के साथ उसे जो कोई जिस रीति से भजता है, वह उसका उसी रीति से कल्याण, शांति, दान अथच परित्राण करता है। इस बात के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिसका जी चाहे वह चाहे जिस रीति से भजन करके देख ले कि ईश्वर उसे उसी रीति में आनंद देता है कि नहीं। पर मत विषयक शास्त्रार्थ के लति स्वयं भजन नहीं करते, वरंच दूसरे की भजन प्रणाली में विक्षेप डालने का उद्योग करते हैं। बहुत वर्षों से अथवा बहुत पीढ़ियों से जो विश्वास एक के जी पर जमा हुआ है, उसे उखाड़ कर उसके ठौर पर अपना विचार रखा चाहते हैं। भला इससे बढ़के हरि विमुखता क्या होगी? और ऐसे विमुखों को भी नरक न हो तो ईश्वर के घर में अंधेर है। संसार में जितनी पुस्तकें धर्म ग्रंथ कहलाती हैं, सबके लिखने वाले भगवान के भक्त एवं जगत के हितैषी मनुष्य थे। अपने अपने देश, काल अथच निज दशा के अनुसार सभी ने अच्छी ही अच्छी बातें लिखी हैं। रहा यह कि मनुष्य की बुद्धि सब बातों में और सब काल में पूर्णतया एक रूप नहीं रहती। इससे संभव है कि प्रत्येक मत के प्रवर्तक से कुछ बुराई हो गई हो, या उसके लेख में कहीं भ्रम या दोष ही रह गया हो। पर हमें अधिकार नहीं है कि उनके काम या वचन पर आक्षेप करें। यदि आप यह भी न माने कि हमारे दोषों से उनके अल्प थे, तो भी इसमें संदेह नहीं है कि आपके भी सब काम और सब बातों में अशुद्धि का संभव है। फिर आप किस मुंह से दूसरों को बुरा कहें, जबकि भलाई बुराई सब में है। तो मत वालों को यह अधिकार किसने दिया है कि दूसरे की बुराई गावें? यह उनकी शुद्ध दुष्टता नहीं है तो क्या है? श्री रामानुज, श्री शंकराचार्य, श्री मसीह, श्री मुहम्मद सब मान्य पुरुष थे। इनमें से किसी के जीवन चरित्र में ऐसी बातें नहीं पाई जाती जैसी आजकल के लोग मुंह से बुरी बताते हैं, पर करते अवश्य हैं। इसी प्रकार वेद, पुराण, बाइबल, कुरान सब धर्म ग्रंथ हैं, क्योंकि चोरी, जारी, विश्वासघात आदि की आज्ञा किसी में नहीं है। फिर इनकी निंदा करने वाला स्वयं निंदनीय नहीं है तो क्या है? यदि परमेश्वर संसार भर का स्वामी है और सभी की भलाई का उद्योग करता है, तो यह कैसे हो सकता है कि एक ही भाषा की, एक ही पोथी और केवल एक ही आचार्य की बनाई हुई सब देशों और सब काल के लिए ठीक हो सके? हर देश के लोगों की प्रकृति, स्वभाव, सामर्थ्य, भाषा, चाल ढाल, खाना पहनना आदि एक सा कभी नहीं हो सकता। फिर ईश्वर की एक ही आज्ञा सब कहीं के सब जन कैसे पालन कर सकते हैं? आज भारतवर्ष का कौन राजा अश्वमेध अथवा राजसूय यज्ञ कर सकता है? अरब यानी अपने ही यहां बंगाल के रहने वाले मांस बिना कई दिन सुख से रह सकते हैं? 40-40 दिन का व्रत, रोजा निर्बल और कोमल प्रकृति वालों से कब निभ सकता है? फिर यदि ईश्वर एक ही लाठी से सबको हाके
तो उसकी जगदीशता का क्या हाल हो। कभी किसी वैद्य को हमने नहीं देखा कि एक ही औषधि सब प्रकार के रोगियों को देता हो। जब जिसके लिए जो बात ईश्वर योग्य समझता है तब तिसकी तौन ही बतला देता है। उसके बढ़के बुद्धिमान कोई नहीं है। वह अपनी प्रजा का हिताहित आप जानता है। वेद, बाइबल, कुरान बना के मर नहीं गया, न पागल हो गया है कि अब पुस्तक रचना न कर सके। यदि एक ही मत से सबका उद्धार समझता हो तो अन्य मतावलंबियों के ग्रंथ मनुष्य और सारे चिन्ह नाश ही कर देने में उसे किसका डर है। इन सब बातों को देख सुन के और सोच के भी मतवादी गण सबको अपनी राह चलाने के लिए हाव हाव करते हैं। फिर हम क्यों न कहें कि वे परमात्मा से अधिक बुद्धिमान बनके उसकी चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाते हैं। भला सबसे बढ़ के हरिनिंदा और नर्क का सामान क्या होगा। जैसे हमारी प्रतिमा न पूजने वालों को कभी एक फूल उठा देती है, न निंदकों को एक थप्पड़ मार देती है, वैसे ही आपके निराकार भी न किसी उपासक को जो प्यार की बात कहते हैं, न गाली देने वाले का सिर दुखाते हैं। फिर हम आपको अथवा आप हमारी पूजा पद्धति पर आक्षेप करें तो सिवाय परस्पर विरोध उपजाने के और क्या करते हैं। यदि वेद, बाइबल, कुरान आदि की एक प्रति अग्नि तथा जल में डाल दी जाए तो जलने अथवा गलने से कोई बच न जाएगी। फिर एक मत वाला किस शेखी पर अपने को अच्छा और दूसरों को बुरा समझता है। आपको जिस बात में विश्वास हो उसको मानिए। हम आपकी आत्मा के इजहारदार नहीं हैं जो यह कहें कि यों नहीं यों कर। यदि आप दृढ़ विश्वासी हैं तो हम अपनी बातों से डिगा नहीं सकते, पर डिगाने की नियत कर चुके हैं। फिर कहिए, विश्वास डिगाने की मनसा ही कौन धर्म है। जो आपका विश्वास कच्चा है तो हमारी बातों से आप फिसल जाएंगे, पर यह कदापि संभव नहीं है कि पूर्ण रूप से अपनी मुद्दत से मानी हुई रीति को छोड़ के सब साथ हमारी भांति हो जाए। इस दशा में हम और भी घोर पाप करते हैं कि अपनी राह पर तो भली भांति ला नहीं सकते, पर आप जिस राह में आनंद से चले जाते थे उससे फिर गए। भला धर्म मार्ग से फेर देने वाला या फेरने की इच्छा रखने वाला नरक के बिना कहां जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध, शीर्षक है मतवादी अवश्य नरक जाएंगे। वाचक निर्मल मिश्र।